हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। मैं नवनीत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपकी हेल्प करेगी रेलवे एग्ज़ाम SSC MTS CHSL CGL एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। इस सीरीज़ के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये उसका सेट वन है। आने वाले टाइम पर आपको इसके काफ़ी सेट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको वीडियो रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके लिए आप वहाँ पे बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन से। नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म टू रिप्लेस पिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए हमें दिया गया है प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी दिया गया है IRDA, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि जो नीति आयोग अभी बनाया गया है वो कौन से इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके बनाया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसका चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आई होप आपने इसको अटैम्प्ट किया होगा। आंसर ए इसमें है प्लानिंग कमीशन। एक्सप्लेनेशन आपको इसकी मैं दे देता हूँ। प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस किया गया था, और इसका एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन टू हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज़ द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन सी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आई होप या आप आराम से इसको बता सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, और आपको इसका हिस्ट्री भी पता होगी तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। आंसर इसका है ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स पे नीलगिरी हिल्स रेंजेस में साउथ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1986 में की गई थी, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 2012 में डिक्लेयर किया था। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम दी फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड। विश्व में पहली प्रधानमंत्री महिला जो है इनमें से कौन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी एलिजाबेथ डिमिचन, ऑप्शन सी गोल्डा मेयर, ऑप्शन डी श्री माओ बेंडर नायक। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये श्रीलंका की स्टेट्समैन थी, और ये दुनिया की पहली नॉन हेरिडेटरी फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बनी। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज़ यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगर आप लोग उत्तराखंड या उसके आसपास के एरिया से तो हैं, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं बेनीहाल पास, ऑप्शन बी पानसीला, ऑप्शन सी लिपू लेक, ऑप्शन डी खारदुंगला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिपू लेक। लिपू लेक पास ये है हिमालय पास है, ये बॉर्डर पे लोकेटेड है हमारा इंडिया उत्तराखंड का जो स्टेट है वहाँ से, और चाइना का जो रीजन है तिब्बत, और जहाँ पे ट्रांजेक्शन विद नेपाल बनाता है, तो ये वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फाइव, विच पैनल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ऑप्शन ए हमें दिया गया है राधे श्याम पैनल, ऑप्शन बी हमें दिया गया है रंगराजन पैनल, ऑप्शन सी हमें दिया गया है श्री कृष्णा पैनल, ऑप्शन डी हमें दिया गया है राम सेवक पैनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रंगराजन पैनल। क्वेश्चन सिक्स, हु वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क में पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन थी। तो ऑप्शन हमें दिया गया है जर्मिया न्यामिन किंग्सली, ऑप्शन बी फातिमा दियाना सहीद, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन डी मेडलिन एल्ब्राइट। आई होप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको एंटोनियो गुटरेस के बारे में भी पता होगा, बाकी सभी लोगों के बारे में भी पता होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मालदीवियन डिप्लोमेट हैं। सी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड दिस पोस्ट सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इंसेप्शन इन 1985। ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद 1985 में इस पद पे स्वर्ण किया था। क्वेश्चन सेवन,
एन आई पी एड्रेस इज बिट नंबर, वो कितने बिट का नंबर होता है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 32. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 32 बिट. फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सौर सुजला योजना. आपने इसके बारे में अगर काफ़ी टाइम से पढ़ा है तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा. ऑप्शन इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ ए, जो कि ऑप्शन बी दिया गया हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार. राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़. सौर सुजला योजना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी टू प्रोवाइड सोलर पावर्ड इरीगेशन पम्प टू फार्मर्स एट ए सब्सिडाइज प्राइस. क्वेश्चन 9, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें ही लोग कन्फ्यूजन से गलत आंसर दिए आते हैं. तो ऑप्शन ए है 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस. मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ. ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 10, द स्लैक सीजन इन इंडियन इकोनॉमी इज. ऑप्शन ए जनवरी टू जून, ऑप्शन बी मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन सी फेब टू अप्रैल, ऑप्शन डी सितंबर टू दिसंबर. तो क्वेश्चन ये है कि जो स्लैक सीजन है वो इंडियन इकोनॉमी में कब होता है. तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ. आई होप यू आर अटेम्प्टिंग ऑल दी क्वेश्चंस विद सिंसियरिटी. तो आंसर इसका है ए जनवरी टू जून. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. जो सीजन होता है लो रेनफॉल इन मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैक सीजन. तो जनवरी से लेके जून तक का जो सीजन होता है, जिसमें कई जगह देशों में देश के अंदर बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है, उस टाइम को हम स्लैक सीजन बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी में. क्वेश्चन 11, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स अवार्ड. इंडिया की वह महिला जो पहली बार मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, उसका आपको इसमें नाम बताना है. ऑप्शन ए हमारे पास लारा दत्ता, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन डी सुष्मिता सेन. काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन भूलने वाला क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं इसमें. तो इसका आंसर है जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, सुष्मिता सेन. इनको 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड. ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करती हैं सेम टेम्परेचर के साथ, ऐसी जगह लाइन्स को क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन ए हमारे पास है आइसोबार्स, ऑप्शन बी आइसोइड्स, ऑप्शन सी आइसोथर्म्स, ऑप्शन डी आइसोहेलिन्स. आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल. तो हमें इसमें बताना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो किया गया था वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था. ऑप्शन देख लेते हैं. ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नविल्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन डी लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स. करेक्ट आंसर है इसका आंसर बी लॉर्ड कार्नविल्स. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट इन 1793. सन 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को लेके आया गया था. क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वेवलेंथ. अब इसमें से आपको बताना है कि वेवलेंथ इनमें से किसकी कम होती है. ऑप्शन ए बीटा रेज, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन डी अल्फा रेज. तो ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है. इसका आंसर है ऑप्शन सी गामा रेज. गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो लेस देन 10 पिकोमीटर्स होती है. क्वेश्चन 15, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई. ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त. तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त. एक्सप्लेनेशन में आप इसके देख सकते हैं. इसको एनेशियंट किंगडम मगध में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आज बिहार है, हम के नाम से हम उसको जानते हैं. इसको स्टैब्लिश किया गया था 5th century BCE में इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाई. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो एस्टिमेट की जाती है या उसका जो जांच की जाती है, कैसे की जाती है, उस मेथड के बारे में इसमें पूछा गया है. ऑप्शन हमारे पास है कैरियस मेथड, बी ड्यूमस मेथड, सी लेबिग्स मेथड, ऑप्शन डी विक्टर मेयर्स मेथड. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूमस मेथड.
क्वेश्चन 17, टोडरमल वॉज द फेमस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? टोडरमल था वो किस मुगल एम्परर के फाइनेंस मिनिस्टर थे? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्ट्री हेड करते थे मुगल एम्पायर के टाइम पे। ही वॉज दी वन ऑफ दी नवरत्नास इन अकबर्स दरबार। तो अकबर के जो दरबार में था उसमें से वो एक नवरत्न थे। क्वेश्चन 18, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें दिया गया पोल्स, ऑप्शन बी एट इक्वेटर, ऑप्शन सी एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन डी एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर होती है इन प्लेसेस में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एट पोल्स। क्वेश्चन 19, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो। ऑप्शन ए इसमें दिया गया जूट, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है टी। तो जो ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने जो लोकल कल्टीवेटर्स थे मद्रास में उनको मनाया, बल्कि कई जगह फोर्स किया क्या उगाने के लिए इसमें से? ऑप्शन ए यहाँ पे जूट, बी नील, ऑप्शन सी राइस चावल, ऑप्शन डी चाय टी। तो इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइस। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज। जो पार्ट हिमालय और सतलुज के जो पार्ट हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज। जो हिमालय जो कि एरिया है जो कि सतलुज और काली के रिवर के बीच में आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब हिमालयस, ऑप्शन बी कुमाऊँ हिमालयस, ऑप्शन सी नेपाल हिमालयस, ऑप्शन डी असम हिमालयस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुमाऊँ हिमालयस। इट इज़ द वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन 21 हम देख लेते हैं। इंडिया बाय द नाइल, ये एक कल्चरल फेस्टिवल जो कि इंडिया द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन सी कंट्री है जो इसमें जहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन ए यूएसए, सूडान, केनिया, इजिप्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इजिप्ट। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इंडियन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इजिप्ट। क्वेश्चन 22, इनमें से कौन सी कर्व द कर्व रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट टेकन टुगेदर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। इनमें से कौन सी कर्व ये दिखाती है कि जब डिमांड होती है जितने भी कंज्यूमर्स की होती है मार्केट में, जब उसको एक माना जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस, तो उसमें से कौन सी कर्व से दिखाया जाता है? ऑप्शन ए मार्केट डिमांड, ऑप्शन बी मोनोटोनिक डिमांड, ऑप्शन सी इंडिफरेंट, ऑप्शन डी डिमिनिशिंग। इसका करेक्ट आंसर है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कर्व जो होती है वो एक समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होती है इन ए गिवन मार्केट। क्वेश्चन 23, इन इंडिया द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। इंडिया के अंदर आर्थिक सुधार जो पॉलिसीज हैं वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। आई होप आप लोग इसको पोज करके अटैम्प्ट कर रहे होंगे, और आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं जब आप ये क्विज ख़त्म हो जाता है कि आपने कितना स्कोर किया, और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आंसर इज द करेक्ट आंसर 1991। इसमें LPG रिफॉर्म्स आए थे। आई होप यू ऑल नो अबाउट द LPG रिफॉर्म्स। क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा एक एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया में? नेम दी जो भी इसमें है इज़ दी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन दी साउथ एशिया। ऑप्शन ए नॉर्गोंडम आइसलैंड, ऑप्शन बी बैरन आइलैंड, ऑप्शन सी दिनोदर हिल्स, ऑप्शन डी टॉसम हिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये अंडमान सी में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, द हाई यील्डिंग वेराइटीज HYVS ऑफ व्हीट वर फर्स्ट डेवलप्ड इन। इनमें से किस कंट्री में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के व्हीट को डेवलप किया गया था पहली बार? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 26, द 2019 एबल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू, जो 2019 में एबल प्राइज जो मिला है वो इनमें से किसको मिला है। ऑप्शन ए रॉबर्ट पी लैंगसलैंड्स, ऑप्शन बी सर एंड्रू जे वाइल्स, ऑप्शन सी कैरन अलहेनबेक, ऑप्शन डी विस मेयर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिशियन फील्ड के लिए दिया जाता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिशियंस होते हैं उसको किंग ऑफ नॉर्वे ये अवार्ड हर साल देते हैं। तो ये जो कैरन अलहेनबेक हैं वो अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं और उनको ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए इस बार उनको ये नोबेल एबल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू पेट्रोल, इनमें से किसकी फ्यूल की कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो पेट्रोल के इक्वल होती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी सीएनजी। इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन। कैलोरी वैल्यू का जो मतलब होता है वो ये होता है कि वो क्वांटिटी जिससे हीट प्रोड्यूस की जाती है कंबशन में। कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंबशन। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी टाइम से न्यूज में है, आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ऑप्शन ए आर्टिकल 46, ऑप्शन बी आर्टिकल 43, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 44। और इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें दिया गया है। इट स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 वॉज इनोग्रेटेड एट, जो 2019 में द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स हुए थे उसका उद्घाटन इनमें से कौन सी जगह किया गया था। ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी स्वीडन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे अगर आप इसको स्पोर्ट्स इवेंट्स को रेगुलर फॉलो करते हैं तो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अबू धाबी। द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 वर ए स्पेशल ओलंपिक मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर एथलीट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन द ट्रेडिशन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट। जो ये गेम होते हैं वो मल्टी स्पोर्ट इवेंट होती है जिसमें एथलीट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क, इंडिया में किसको भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए वल्लभ भाई पटेल। इंडिया ने इन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन करने में बहुत बड़ी हेल्प की थी, मेन रोल इन्हीं का था, इसलिए इनको इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है। आई होप आपने इस लेक्चर को सुना होगा ध्यान से, इसमें आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में नीचे बताइएगा, और अगर आपको इसमें कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की या कोई से रिलेटेड तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। आपके लिए मैं जल्दी और भी वीडियो लेके आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।